everyone, our today's topic is physiological disorders in cauliflower and let's start with the first one, that is riciness. जो राइसीनेस है बेसिकली उसमें होता क्या है, जो फूल गोभी है कॉलीफ्लावर का जो कर्ड है उसका फूल है उसमें जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी किसकी, फ्लावर बड की। लेकिन अभी उसकी शुरुआत ही हो रही होगी तो आपको ऐसे दिखेगा कि कर्ड के ऊपर जो है वाइट वाइट कुछ रफ सी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब ये होता किस वजह से है, राइसीनेस से आपको याद रखना है राइस, राइस मतलब कुछ बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, अगर आप नाइट्रोजन की जो ऑप्टिमम डोज से ज्यादा डोज दे रहे हो, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, उसकी वजह से राइसीनेस होती है। देन अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी राइज करे, अगर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो उसकी वजह से भी राइसीनेस होता है, और अगर जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा या तो हाई चला जाए या बहुत ज्यादा लो चला जाए, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, उसकी वजह से भी राइसीनेस होता है। सो आई होप आपको ये सिम्टम्स और ये जो कॉजेज हैं वो आपको अब याद रहेंगे। थैंक यू सो मच।